अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस घर में है ये पहली सुबह, तो बाकी सब तो सो रहे थे और सही सब ना थके हुए थे। थकी हुई तो मैं भी बहुत थी, लेकिन वो एड्रेनलिन रश होता है ना कि बस मुझे इसको जल्दी जल्दी सेट करना है। कुछ एक्साइटमेंट भी होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो बस वही सब चल रहा था। इतने हम थके हुए थे, रात में तो बहुत अच्छे से नींद आ गई, लेकिन सुबह फजर के टाइम अलार्म बंद कर दिया हमने। लेकिन जिस वक्त जमात शुरू हुई ना, मस्जिद पास में ही है, तब आँख खुली, शुक्र है नमाज पढ़ ली। लेकिन उसके बाद फिर रोशनी होगी तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब भी हम घर चेंज करते हैं उसकी सुबह मुझे हमेशा याद रहती है, और उसमें एक खुशबू सी होती है घर में। हर घर की एक अपनी अलग होती है और वो याद होती है। और मॉर्निंग में लाइट कैसी थी, किचन कैसा लग रहा था, लाउंज कैसा लग रहा था, हर घर का मुझे याद है। मैं यही सोचती हूँ कि जब हमने यहाँ पे अपना घर ले लेना है तो फिर उसके बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो खैर जो अच्छा हो हमारे लिए हमेशा से वो हो, आमीन। तो खैर आज की भी सुबह अभी शुरू हो चुकी है। मैं उठी थी 8:38 पे और अभी 9 बजने में थोड़ा सा टाइम है। शदाद बच्चे सो रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने किचन का और बफे टेबल का सामान सेट कर देती हूँ। असल में ना बाकी सारा सामान वो उनसे हम खुलवा लेते हैं, वो मूवर्स एंड पैकर्स हर चीज़ पैक भी करते हैं, खोल के भी देते हैं। लेकिन क्या है कि किचन का और बफे साइड का जो है ना वो मैं नहीं खुलवाती हूँ, वो मुझे खुद सेट करना होता है। मुझे पता नहीं था उन्होंने ये खोल के अंदर रख भी दिया। जब मैंने देखा तो मैंने वही रोक दिया, मैंने कहा रुक जाओ क्योंकि फिर अपनी मर्जी से करना हो तो हर चीज निकाल के बाहर रख के दोबारा करनी पड़ेगी ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूख बहुत सख्त लगी हुई है और ये लोग उठते हैं ना, तो फिर नाश्ता इनके साथ ही करूंगी। सबसे पहले तो मैंने सोचा कि लाउंज को खाली कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, और बफे टेबल का सामान आधा सा उन लोगों ने रख दिया था तो मैंने वहीं उनको रुकवा दिया कि नहीं ये तो मेरे लिए फिर उसको रीअरेंज करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादा इजी हो कि हर जगह खाली हो ना, तो कार्टन में से निकाल के अपनी मर्जी से उन जगहों पर चीज़ें रखते जाएँ ना, तो इसलिए मैंने उनसे अनपैकिंग नहीं करवाई थी। तो जल्दी जल्दी से ये काम सारा हो गया, मुझे पता था चीज़ें कहाँ रखनी है, बस थोड़ी सी रीअरेंजमेंट मैंने किए थे। बेसिकली जो क्रॉकरी है ना उसकी रीअरेंजमेंट मुझे थोड़ी सी क्वाइट थी, लेकिन उस घर में रहते हुए मैं सोची थी कि चलो मूव करना ही है तभी कर लेंगे। कुछ चीज़ें असेंबल करने वाली थी वो भी कर ली। प्लान तो ये था कि सारे काम निपटा लूंगी तब ये लोग उठेंगे, लेकिन ज़ाहिर है रोशनी हो चुकी थी तो फैमिली भी सारी उठना शुरू होगी बारी बारी। मैंने थका इतना ज्यादा कि पिज़्ज़ा सॉस ले और जैम की जगह जैम लगा ली थी फटाफट से। आज के दिन के टास्क काफ़ी सारे हैं। घर को सेट करने के साथ साथ हमने कर्टन्स लेने भी जाना है और हमने वो सोफ़ाज़ भी फाइनल करने जाना है, क्योंकि फाइनल करेंगे तो फिर वो घर पे पहुंचेंगे ना सोफ़ाज़। तो एनीवेज बच्चों को जल्दी से क्रीम चीज़ और जैम लगा दिया, ये हमारा गो टू ब्रेकफास्ट होता है अगर कुछ और अवेलेबल ना हो। बस थोड़ी देर में कर्टन की मेजरमेंट वाला बंदा भी आने वाला था। वो 260 ठीक है ऊपर या उससे थोड़ा नीचे? हाँ फिर इससे थोड़ा सा ऊपर, बस बस इतना सा, हाँ ठीक है। ये सारा मैंने सेट कर लिया है। यहाँ पे सारी वो प्लेट्स वगैरह आ गई हैं जिनको मैं यूज़ कर सकती हूँ, तो ये भी अच्छा हो गया कि मैंने अपने हिसाब से नई सेटिंग कर ली है। यहाँ पे ये वो प्लेट्स और सारे बर्तन बेसिकली वो हैं जो मुझे रेगुलर यूज़ करने होते हैं, और इस साइड पे सर्विंग डिशेज़ वगैरह हैं जो कि मेहमानों के आने पर यूज़ होते हैं या कोई स्पेशल रेसिपी बनाऊँ तो उसके लिए, और यहाँ पर ये डिनर सेट्स हैं। उसके अलावा फर्स्ट ड्रॉर में सारी जो है ये इंसेंस बर्नर टाइप की चीज़ें हैं, बखूर वगैरह, और यहाँ पर सारी कटलरी है, और ये थर्ड में ये जो सेट है ना इसके कप्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, और साथ में ये रोटियों वाला कंटेनर है, बॉक्स है, और बस ये हमारा डन हो गया। अब ये सारे जितने भी प्लांट्स हैं ना इन सबको मैं एक ही जगह जमा करती जाऊँगी ताकि मैं लेटर ऑन डिसाइड करूँ कि इनको मैंने रखना कहाँ पे।
कसम से शिफ्टिंग कर करके ना हम शिफ्टिंग एक्सपर्ट बन चुके हैं। हमें अच्छी तरह से पता है कि कौन सी चीज़ अब हमें ज़रूरत है कौन सी नहीं। सिर्फ थोड़ी सी जो मिस्टेक्स हुई थी वो सऊदी अरब से जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए यूएई में, तो ज़ाहिर है कभी पहले बहुत छोटा घर ले लिया, फिर सऊदीया जैसा बड़ा घर ले लिया, फिर रियलाइज़ हुआ कि नहीं यूएई में रहते हुए इतने बड़े घर की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब लेकिन अपनी मिस्टेक से सीखा, अब हम फाइनली ये वो घर मिल गया कि जिसकी हमें तलाश थी और जो हमें चाहिए था। कुछ चीज़ें ऐसी हम साथ लेके आए हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं, जैसे पेडिस्टल फैन आपको नज़र आ रहा है, तो कई चीज़ें तो वहाँ पर हम लोग दे आए हैं वर्कर्स को, और कुछ यहाँ पे हम पर्पसफुली ले आए हैं ताकि यहाँ के वर्कर्स को दे दें। नाश्ता वाश्ता करने के बाद शहजाद ने कहा कि चलो जी जाके कर्टन्स डिसाइड करके आते हैं, क्योंकि बंदा आके मेजरमेंट ले गया था। हाँ ये वाला बाहर जो लाउंज है ना उसमें ये वाला लगवाना है, और ये रूम्स का डिसाइड कर लेते हैं। ये फैब्रिक है और ये शिफॉन है। बच्चों के लिए शिफॉन कौन सा चाहिए? ये वही शॉप है जिसमें हमने पुराने घर में किचन में शीट्स डलवाई थी, लाउंज में शीट्स थी, और तिहामी के रूम में कारपेट था, लेकिन अभी बंदा चेंज हो चुका था। हम उससे पूछते रह गए पर मीटर प्राइस तो बताओ, कहता है फाइनल कर लें रीजनेबल हो जाएगा, पुराने ग्राहक हैं ये वो। इस तरह करके इस बंदे ने हमारा 1.5 घंटा ज़ाया कराया, पूरा अच्छी तरह से हमने फाइनल सब चूज़ कर लिया, कर्टन्स भी, उसके नीचे नेटिंग्स भी, एंड गेस व्हाट, ये इतना कोई बेईमान बंदा था कि इसने हमें प्राइस बताई 3000 दिरहम। 3000 दिरहम, चलिए जो यूएई में नहीं रहते उनके आइडिया देने के लिए बता देती हूँ, पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं ये तकरीबन 2 लाख रुपया। तो मतलब हमारा दिमाग नहीं ख़राब था। तो खैर इतना टाइम ज़ाया करा के हम लोग अच्छे खासे गुस्से में वहाँ से निकल आए रिजेक्ट करके, और उसके बाद ये असगर फर्नीचर पे पहुँच के, ये मैंने वेबसाइट तो देखी हुई थी पर मुझे नहीं पता था कि ये अच्छी जगह होगी, पर आप में से एक सब्सक्राइबर ने बताया कि अजमान में असगर फर्नीचर पे ज़रूर जाके चेक करें। तो हम यहाँ पे गए तो बहुत अच्छी वेराइटी थी, लेटेस्ट क्लासी सोफ़ाज थे और बहुत ही रीज़नेबल रेट्स थे। तो यहाँ से हमने सोफ़ा भी डिसाइड कर लिया और फ्री में कलर भी चेंज करा के देते हैं, तो हमने सोचा कि चलो ये भी कर लेते हैं। अब आपके लिए भी मैंने नई इन्फॉर्मेशन दे दी है, थैंक यू उन सब्सक्राइबर का जिन्होंने ये बताया, और जब भी और लोग भी यहाँ से लेंगे उनको भी सवाब जाएगा क्योंकि यहाँ रीजनेबल प्राइस थी। उसके बाद हम लोग फाइनली अच्छा लगा कि सोफ़ाज डिसाइड हो गए हैं, कलर भी अपनी मर्जी का करवा दिया, कुछ दिनों में सोफ़ाज आ जाएंगे। फिर हम आगे अजमान की फ्रूट मार्केट, शहजाद से ऑपरेशन करा देते हैं पूरी पेटी का। ऑपरेशन क्यों करा देते हैं? मैंगो और चेरीज ले लिए, शहजाद का मूड था और भी फ्रूट लेने का, लेकिन मेरे पास अभी बास्केट वगैरह के अरेंजमेंट नहीं थे, मैं कैसे वॉश करती, तो मैंने कहा बस यही दोनों ठीक है तो चलते हैं अब। अच्छा ये शहजाद इनका नाम क्या था? अंजीर। अंजीर नहीं, इंजी समथिंग लाइक। नेक्स्ट टाइम मैं पूछ के आऊँगी, ये ना ये बहुत जगह पे मैंने कारफोर में भी देखे हुए हैं, घर जाकर दिखाती हूँ, तो मुझे ये फ्री मिले हैं टेस्ट करने के लिए, ये कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें बहुत हैप्पीनेस देती हैं, तो मुझे ये फ्री मिल गया। मैंने और मिशी ने मैकडोनल्ड्स लिया, और शहजाद का अफ़गानी पुलाव खाने का प्लान था, तो तिहामी तो नहीं छोड़ सकता अफ़गानी पुलाव, तो इन दोनों ने पुलाव ले लिया था। तो मैकडोनल्ड्स तो खैर मुझे इतना पसंद है कि मुझे लगता है कि बचपन से ना मेरा फेवरेट है, और मैं सोचती हूँ कि जब मैं बुजुर्ग भी हो जाऊँगी ना मेरे दांत टूट जाएंगे, तब भी मैं मैकडोनल्ड्स इसलिए खाया करूँगी कि चलो और कुछ नहीं, सॉफ्ट तो है ना इतना मुझे पसंद है। खैर शहजाद साथ साथ मीटिंग भी एक अटेंड कर रहे थे ऑफिस से, शहजाद ने 1 वीक की छुट्टी ली हुई है, लेकिन जो भी मीटिंग ज़रूरी होती है उसमें वो अटेंड करते हैं। एनीवेज तो ये जो कबर्ड है इसमें शहजाद सारा जो हमारा है ना कैंपिंग का स्टफ वो इसमें सेट कर रहे हैं। ये कबर्ड हमने स्टोरेज के लिए रखी, आपको इंतज़ार था ना देखने का कि मैं स्टोरेज कैसे करूँगी, तो जनाब कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हमने। ये कबर्ड जो है ना अभी अगर नहीं लेते हैं ना यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। पहली बात तो इतनी बड़ी कबर्ड नहीं मिलती, हमारी तो सऊदीया का सेट है ना, तो दूसरी बात यह कि 2500-3000 से ऊपर किसकी प्राइस जाती है, तो हम इसी को स्टोर क्यों ना बना लें अपना, ये हमने डिसाइड किया। तो बाकी डिटेल्स मैं आपको अपकमिंग वीडियोज़ में बताऊँगी। देखते देखते दोपहर हो गई, ये सामान ही नहीं ख़त्म होने को आ रहा, तो शहजाद तो अपना सामान सेट कर रहे हैं वहाँ पे, और मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने वहाँ पे लाउंज सेट किया है। सरप्राइज़ ये सारा हमने
ऑर्गेनाइज कर दिया है, तो हम इन्हें भी हेल्प कराई है, शलाद ने भी कराई है, मिशु ने हेल्प नहीं कराई। इट्स ओके, इट्स अ लिटिल बेबी, या और ये अभी बस जायनमाज वगैरह रह गई है, मेरा लैपटॉप और ये सारी वायर्स वगैरह इसमें, और बस ये मतलब यानी तकरीबन सिमट गया है। अब टेबल पे सारी वो चीज़ें हैं कि जो हमने वॉल्स पे लगवानी है ना, वो कुछ दिन बाद जब वो लोग दोबारा आएंगे तो वॉल्स पे लग जाएंगी। यहाँ पे भी सारे मैंने एक साथ ही कर दिए चीज़ें फिलहाल के लिए, इनको अभी मैं थोड़ी देर बाद सेट करूँगी। बस ये मैं यहाँ से उठा लूँ तो बस ये लाउंज जो है ना मेरा डन हो गया है। आज का दिन बहुत लंबा रहा है, अब रात हो गई है, लेकिन फिर भी काम में किए जा रही हूँ, क्योंकि मेरा प्लान है कि ये जो बेडरूम है ना इसको 80% तो मैंने सेट करके ही सोना है, ताकि बाकी का कल ये कर लूँ और बच्चों का भी कर लूँ। वो मैं आपको बच्चों का रूम सेट करते हुए नहीं दिखाऊंगी, वो एक ही बार कर लूँगी ना तो फिर दिखा दूंगी। और हाँ, रेंट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि रेंट कितना है, तो थोड़ा सा सब्र, मैं आपको बताऊँगी, मैं आपको अपने हर अपार्टमेंट का रेंट बताती हूँ। आप लोग कनेक्टेड होते हैं ना तो ज़ाहिर जानने का दिल करता है कि भाई ये वाला अब जो अपार्टमेंट लिया है इसका कितना है, ताकि कंपेयर कर सकें पिछले अपार्टमेंट के साथ एंड ऑल दैट। तो मैं आपसे शेयर करूंगी, बस मैंने उसको बचा के रखा हुआ है, जिस वक्त मैं हाउस टूर करूंगी तो मैं आपको उसका रेंट इंशाल्लाह बताऊंगी। बाकी जो लोग ये पूछते हैं कि आप कौन सी बिल्डिंग में रहते हैं, वो मैं अपने मुंह से नहीं बता सकती, आधे से ज्यादा शारजा के रहने वाले लोग जानते हैं कि मैं कौन सी बिल्डिंग में रहती हूं। क्या होता है कि जब आप बालकनी से व्यू दिखाते हैं ना तो सब लोगों को पता चल जाता है, लेकिन सारे फैमिली वाले होते हैं, वैल्यू वाले होते हैं, कोई भी किसी के घर नहीं आ जाता। लेकिन डर किस चीज का लगता है कि अपने मुंह से मैं अगर बता दूं कि जी मेरी ये बिल्डिंग है, ये अपार्टमेंट नंबर है, या जस्ट बिल्डिंग ही बता दूं तो कोई अंदर तक पहुंच जाए, तो मैं कैसे मान लूं कि वो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो यहां तक पहुंच गए हैं। बेशक फैमिली की फॉर्म में कोई आ जाए, तो मुझे ये पता है कि वैल्यू वाले लोग इस तरह नहीं आते हैं, तो कोई अगर पहुंच गया है तो ये कोई ना कोई गड़बड़ ही ना हो जाए, तो जाहिर है मैं तो उस चीज़ को सिक्योरिटी का मसला समझूंगी ना। तो ये वजह है कि मैं अपने मुंह से कभी नहीं बताती कि मैं कौन सी बिल्डिंग में रहती हूं, तो ताकि मतलब कम अज़ कम मेरी तरफ से ये इशू ना हो कि आप तो खुद बताती फिरती हैं, तो जाहिर है आपके साथ कोई अनप्लेजेंट वाकया हो गया तो उसकी जिम्मेदार आप खुद हैं। फाइनली कबर्ड वाला सेक्शन काफ़ी हद तक हो गया है, तो ये ड्रेसिंग टेबल का जो सामान है ये भी सारा मैं रखने लगी हूँ, शीट्स वगैरह इसमें लगा लूँगी और बस रखती जाऊँगी फटाफट से चीज़ें। और अब इतनी ज़्यादा बस हो गई है ना कि अब हाथ नहीं हिलाए जा रहे थे, तो मैंने कहा ये ख़त्म करूँ और उसके बाद बस ना खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। मैं शादी को भी फील हो रहा था कि मैं उसकी ना मैं काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हूँ, तो मेरे लिए खुद ही पानी ले के आ गया पारा बच्चा माशाल्लाह। हमें फ्री का बॉक्स मिल गया, हम इसको यूज करेंगे टू इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल, इसको पैक करके दे देंगे हम। और मशीन एज यू कैन सी बहुत अच्छी तरह से पूरा आ जाता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड शी गो सेट इनसाइड नो बैक मी, इसके अंदर अच्छी तरह से आ गया, विच मींस कि हम ऐसे बस कर देंगे इसको ताकि मशीन को हवा भी आ जाए और कोई नजर भी ना आए, देखे भी नहीं अंदर, ऐसे हम कर देंगे। माशाल्लाह मशीन बहुत हैवी है तो उसी वजह से इसको मूव करना इधर उधर एक हाथ से मुश्किल हो जाता है, इसको ऐसे ऐसे करना। ये की फील है मशीन गेटिंग सेंट अवे टू सम प्लेस। अच्छा तो मशीन को इस तरह फील होता है जब हिलता है ऐसे 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 हैं? Yes, Mishu? Yeah. So you feel it like this? Yeah, I feel it. Wow, very very innocent किस्म का बॉक्स है। इसके अंदर तो कुछ भी स्केरी नहीं है, कुछ भी स्केरी नहीं है इसके अंदर, बस this just my things, okay? इस मम्मा को बता। Whoa, this is very 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 weird. मम्मा एक आपका ये वो पैकेज आया है। Wow. नहीं
मुझे वो सॉन्ग बड़ा अच्छा लगता है बिकॉज मॉम यू ऑलवेज आर अ परफेक्ट फैन. हमेशा मॉम अपने बच्चों की परफेक्ट फैन होती हैं, उनकी हर चीज पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, बहुत अप्रिशिएट करती हैं. बच्चों ने कोई भी अपनी सक्सेस को अचीवमेंट शेयर करनी हो तो सबसे पहले मामा से, बच्चों ने कुछ डराना हो तो सबसे पहले मामा को मतलब हर चीज़ मामा को पहले दिखानी होती है. फादर्स भी बहुत लविंग केयरिंग होते हैं लेकिन उनका एक अपना एक डिफरेंट सा अंदाज होता है, मॉम्स का डिफरेंट होता है. तो खैर बातों बातों में ये कबर्ड भी सेट हो गई है. आया कि मैं इस बॉक्स में छोटा सा होल कट कर देता हूँ और यहाँ मैकडोनल्ड्स लिख दिया और मैंने ये एम सा ड्रॉ कर दिया और इसको मैंने ब्लैक से हाईलाइट कर दिया. इवन दो इट्स नॉट वेरी प्रोमिनेंट लेकिन अच्छा है डिज़ाइन के लिए. ये क्यूट सा एम्प्लॉई बैठा हुआ है जो आपको प्रिटेंड फूड राइट. ओके बट मम्मा इज वर्किंग सो मम्मा इज वर्किंग सो वी नीड टू ट्रिक बाबा राइट. ओ बाबा लोग बाबा बाबा मैकडोनल्ड्स है यहाँ. आपने मैकडोनल्ड्स है ना आपने. ओके ओह माय गॉड इट्स ओके बाबा यू कैन हैव अ पेप्सी एंड और कोक. ओह माय गॉड विशु ओह माय गॉड आई जस्ट ट्राई ओनली वंस. ओके मैकडोनल्ड्स ओके आई नॉट ट्राई मैकडोनल्ड्स अगेन. ओके ओके या इट्स गुड या आई लव टू हैव मैकडोनल्ड्स. ओके हियर. Wow, thank you. Oh. You cannot eat the drink. Oh my god. Chicken nugget? It's you. Scary 3 a.m. McDonald's. Oh my god, you look like someone else. It's you. You scared me. 3 a.m. McDonald's, hai na baba? McDonald's ko kya ho gaya? Oh no. McDonald's. Hey. Oh my god, what's going on? What? McDonald's is a human. Oh. Oh. This is not good. Oh my god. What? This is what all you did. Look, see? This is all this is not good. We need to get this situation under control. मुझे कसम से इतनी खुशी हो रही है. इस बार हम लोगों ने दो दफा धक्के खाए हैं हमने UAE में आके घर के मामले में. इस बार हमने अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छे तरीके से प्लान करके डिसाइड करके फाइनल किया और फिर एक एक मेजरमेंट हमने की कि क्या चीज कहाँ रखनी है. शिफ्टिंग से पहले हमने हर चीज डिसाइड की हुई थी तभी आके फटाफट चीजें वहां वहां लग गई हैं. तो हम लोग अपनी जो कबर्ड लेके आए ना उसका एक पर्पज ये भी है कि यहाँ पे इस कबर्ड में हमारे कपड़े तो हैंग हो जाएंगे लेकिन सारे नहीं होंगे क्योंकि हमारी आदत क्या है कि हम फोल्ड करके बहुत कम कपड़े रखते हैं. हम सारे प्रेस करके हैंग करके हर वक्त रखते हैं ताकि बाहर जाने के लिए प्रॉब्लम ना हो. प्लस ये कि मेरी वीडियो मेकिंग होती है तो मैं रोज़ सुबह खड़ी होकर प्रेस नहीं कर सकती अपने कपड़े. मैं वार्डरोब खोलती हूँ चूज़ करती हूँ क्या पहनना है. बच्चों का भी यही सीन है बाहर जाने के लिए. तो एनीवेज तो हमें पता है कि हमें हैंगिंग सेक्शन बहुत ज़्यादा चाहिए तो इस वजह से मेरे माइंड में ये था कि जो ग्रे कबर्ड है ना उसका एक पूरा सेक्शन मैं ले लूँगी तो शहजाद को न्यू वाली कबर्ड में पूरा एक सेक्शन दे दूंगी. होना ये चाहिए कि किचन सबसे पहले कर लिया जाए लेकिन मैं हमेशा से किचन सबसे लास्ट में करती होती हूँ क्योंकि उसको मुझे सुकून से एक से दो दिन या एटलीस्ट पूरा दिन चाहिए होता है. आज मैंने टीवी लाउंज भी कर लिया है जो लिविंग एरिया है और हमारा बेडरूम भी ऑलमोस्ट डन है. मतलब आधा घंटा और लगेगा वो सेट हो जाएगा. फिर मैंने आज रात लगानी है थोड़ी सी और बच्चों का रूम भी स्टार्ट कर देना है तो वो एक ही दफा मैं सेट करके आपको दिखा दूंगी. तो खैर हालांकि अभी मुझे ना किचन की बहुत जरूरत पड़ रही है लेकिन किसी ने इसे मैनेज करे तो मुझे नाइफ नहीं मिली है. जो कार्टन्स खुले हैं उसमें ऊपर मुझे ये दो डिवाइडर जो है ना ये मिल गया तो इससे मैं ट्राई करूंगी और इससे मैं मैंगो कट कर लूंगी. मैं एक्चुअली क्या करने लगी हूँ कि मैं खाने लगी हूँ मैंगो के साथ रोटी. मैंगो के साथ मुझे ब्रेड भी बहुत अच्छी लगती है और मैंगो के साथ रोटी भी. तो आप बताएं कि कौन कौन आप इस तरह से खाते हैं किसको ऐसे मजे की लगती है. तो ये तो कट गई है बड़ा खुशी की बात है. मुझे आइडिया था वैसे ये दो कटे जो है ना डिवाइडर ये बड़ा ब्लंट सा होता है लेकिन इतना तो है कि चलो मैंगो को काट ले इतना शार्प तो है. ओ और ये पहला मैंगो ही सारा खराब निकल आया. चलो इसको साइड से काट लेते हैं. ये तो धोखा ही हो गया.
वही जो दोपहर वाला जो ये अफगानी पुलाव ये लोग लेके आए हुए थे, लेफ्ट ओवर खाना ये लोग खा रहे हैं, और मैं बस ये मैंगो काफी है वैसे हो गया गुजारा, तो मैं जो है मैंगो से रोटी खाने लगी हूँ और वीडियो कमेंट करती हूँ आपसे इंशाल्लाह, मिलते हैं हम कल, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, और दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला आपको सबको खुश रखें, आवाज रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।